साल 1985, ये भारतीय राजनीति का वो दौर था जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की कमान राजीव गांधी के हाथों में सौंप दी गई थी। अभी राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बने साल भर भी नहीं हुआ था और देश उस समय कई समस्याओं से जूझ रहा था। उनमें से एक थी आदिवासियों की दुर्दशा। उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय को राजस्थान के एक आदिवासी ग्रामीण सोमाराम पारगी का टेलीग्राम मिला था। ये वो दौर था जब पीएमओ को इस तरह के काफी टेलीग्राम मिला करते थे, लेकिन पीएमओ की ओर से ऐसे टेलीग्रामों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन पारगी के टेलीग्राम पर पीएमओ का ध्यान गया और उस पर लिखी बातों पर अमल भी लाया गया। क्या है ये पूरा किस्सा, चलिए जानते हैं। राजस्थान के आदिवासी ग्रामीण सोमाराम पारगी ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनके गांव आने का निमंत्रण दिया था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्वीकार भी कर लिया था। उस समय हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो खुद बांसवाड़ा के आदिवासी इलाके से आते थे। राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ 8 अगस्त 1985 को आदिवासी गाँव पहुँचे। गांव तक पहुंचने के लिए पीएम राजीव गांधी को 2 किलोमीटर तक मिट्टी से सने रास्ते पर पैदल चलना पड़ा था। उनके निर्देश पर कोई भी पुलिस अधिकारी उनके साथ गांव नहीं गया था। प्रधानमंत्री गांव में आदिवासी ग्रामीणों के समस्याओं पर एक खुली चर्चा चाहते थे। इससे पहले वो सोनिया गांधी के साथ कुरामीना और अन्य आदिवासी ग्रामीणों की झोपड़ियों में गए। उस वक्त तत्कालीन सीएम हरदेव जोशी ने दुभाषिये का काम किया था। राजीव गांधी ने अपने इस दौरे के दौरान तत्कालीन सीएम को आदिवासियों को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए थे। ये निर्देश सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में आदिवासियों को जरूरी सामान और जरूरी चीजें मुहैया कराने का निर्देश तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिया था। पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय ने अपनी किताब बीपी सिंह चंद्रशेखर सोनिया गांधी और मैं में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि जिस दिन राजीव गांधी की इस यात्रा के 6 महीने पूरे हुए, उसी दिन वह फॉलो अप स्टोरी करने उस गांव पहुंचे थे। उन्होंने लिखा, मैंने उसी जगह से पैदल चलना शुरू किया जहां से राजीव गांधी ने कार छोड़कर पैदल चलना शुरू किया था। सबसे पहले एक नाली मिली जिसमें राजीव गांधी ने देखा था कि आदिवासियों के लिए राजस्थान सरकार ने कितना अच्छा काम किया है। उस समय नाली सूखी थी, मैंने हाथ लगाया तो बालू मेरे हाथ में आ गया। वहां सिर्फ नाली का ढांचा था। आगे बढ़े तो आदिवासियों के लिए बनाए गए स्कूल दिखे जो पूरी तरह उजड़ा हुआ था, वहां कोई बच्चा नहीं था। राजीव गांधी ने इस दौरे पर 2 वृद्ध आदिवासी पति पत्नी को 200 रुपए भी दिए थे, जो अगले दिन सरकारी कर्मचारी आकर वापस ले गए थे। ये पूरा घटनाक्रम पत्रकार और उनकी टीम ने शूट किया था। जब यह खबर दूरदर्शन पर प्रसारित हुई तो राजीव गांधी इस खबर को देखकर इतना तिलमिला उठे थे कि इसे प्रसारित होने के 5 दिन बाद ही तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी से उन्होंने इस्तीफा मांग लिया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और इसी तरह की मजेदार और रोचक जानकारियों के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।